नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं गैजेट्स फॉर यू। सैमसंग ने अपनी ए सीरीज में इंडिया में एक डिवाइस लॉन्च किया है जो कि है 8 प्लस। आज हम करेंगे इसका अनबॉक्सिंग और देखेंगे इसका एक क्विक ओवरव्यू। आपको बता दें, ये फोन आपको मिलता है इन्फिनिटी डिस्प्ले और ड्यूल कैमरा सेटअप के साथ में, और ये दोनों ही फीचर्स काफ़ी ट्रेंड में हैं पिछले कुछ टाइम से, तो ये फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं 8 प्लस में। तो चलिए पहले करते हैं इसका अनबॉक्सिंग और फिर हम देखेंगे इसका परफॉर्मेंस। तो ये आप देख सकते हैं, ये है 8 प्लस का बॉक्स। सबसे पहले बात करें प्राइसिंग की, तो ये आपको मिलेगा इंडिया में 32,990 रुपीस की प्राइस में, जो कि एक्सक्लूसिव अवेलेबल होगा amazon.in पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉक्स हमको देखने को मिल रहा है बिल्कुल प्लेन, यहाँ पे कोई भी पिक्चर देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे लिखा है 8 प्लस, ऊपर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है सैमसंग गैलेक्सी 8 प्लस, और नीचे की तरफ दिया गया है 2018 एडिशन। करते हैं इसको बैक साइड में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं कुछ की फीचर्स, तो चलिए देख लेते हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं इस फोन में आपको मिलने वाला है इन्फिनिटी डिस्प्ले, मीन्स यहाँ दिया गया है 18.5:9 का स्क्रीन रेशियो। साथ में दिया गया है ड्यूल फ्रंट कैमरा जो कि है 16+8 मेगापिक्सल का। यहाँ पे आपको सैमसंग पे का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ चलते हैं तो कुछ और की हाईलाइट फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि फुल HD+ डिस्प्ले जो कि है सैमसंग का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 6GB रैम, 64GB का इंटरनल स्टोरेज, आप इस मेमोरी को बढ़ा सकते हैं एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड लगा के, 64-bit का ऑक्टाकोर प्रोसेसर इसमें यूज़ होता है। बात करें CPU की, तो वो है एक्जीनोस का 7885। 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है और फ्रंट कैमरा मिलता है 16+8 मेगापिक्सल का, जो कि ड्यूल कैमरा है। 3500 mAh का बैटरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि सपोर्ट करता है फास्ट चार्जिंग को। यह फ़ोन सपोर्ट करता है IP68 वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट, और कनेक्टिविटी में 4G LTE और वोल्टी को भी ये फ़ोन सपोर्ट करता है। तो ये था बॉक्स का ओवरव्यू, चलिए कर लेते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस हमें कैसा देखने को मिलता है। तो बॉक्स ओपन होते ही सबसे पहले हमको देखने को मिला है एक एनवलव जहाँ पे लिखा है सैमसंग गैलेक्सी 8 प्लस। चलिए रखते हैं इसको साइड में। उसके बाद देखने को मिलता है 8 प्लस जो कि हमारे पास अवेलेबल है ब्लैक कलर में। चलिए इसको भी रख देते हैं साइड में और चलते हैं इस फ़ोन के और कंटेंट्स की तरफ। तो आप देख सकते हैं ये कंटेंट हमको देखने को मिलते हैं 8 प्लस के बॉक्स के साथ में। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्विक स्टार्ट गाइड, वारंटी डिटेल और सार इन्फॉर्मेशन। साथ में यहाँ पे दिया गया है एक सिम एजेक्टर टूल। इस तरफ चलते हैं तो एक केस आपको देखने को मिल जाता है जो कि है ट्रांसपेरेंट कवर। इसके अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है एक डेटा केबल, एक ईयरफोन और एक ये ट्रैवल अडेप्टर। बात करें इसके डेटा केबल की, तो वो आपको देखने को मिलती है USB Type-C पोर्ट में। चार्जर मिलता है अडेप्टिव फास्ट चार्जर। बात करें आउटपुट की, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा 9 वोल्ट एंड 1.67 एम्पियर, 5 वोल्ट एंड 2 एम्पियर, मीन्स यहाँ पे आपको एक फास्ट चार्जर साथ में देखने को मिल रहा है, और साथ में देखने को मिलता है एक इनबड्स ईयरफोन्स। तो ये हैं कंटेंट जो कि हमको मिलने वाले हैं बॉक्स के साथ में। चलिए रखते हैं इनको साइड में और चलते हैं फ़ोन की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं 8 प्लस। बात करें फ़ोन के फर्स्ट इम्प्रेशन की, तो ये हमें देखने को मिल रहा है जैसे हमने देखा था नोट 8, वैसा ही लुक यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। सिर्फ स्क्रीन साइज कम करके इस फोन को 8 प्लस बना दिया गया है, और अगर नोट 8 और 8 प्लस साथ में पड़े हों तो शायद आप मुश्किल में पड़ जाएं कि कौन सा फ़ोन नोट 8 है और कौन सा फ़ोन 8 प्लस। तो चलिए करते हैं इस फिल्म को रिमूव और चलते हैं इस फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू की तरफ। फिजिकल ओवरव्यू लेने से पहले आपको बता दें कि ये फ़ोन बना है मेटल और ग्लास के कॉम्बिनेशन के साथ में, मींस यहाँ पे आपको ग्लास और मेटल का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, और लुक वाइज ये काफ़ी अमेजिंग और डिसेंट फ़ोन देखने को हमें मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं इसके बैक साइड की, तो यहाँ पे भी यूज़ हुआ है 2.5D ग्लास का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ग्लास की वजह से हमें एक प्रीमियम लुक देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक स्पीकर, साइड में दिया गया है ड्यूल फ्रंट कैमरा जो कि है 16+8 मेगापिक्सल का। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक सेंसर। नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे कोई भी बटन आपको देखने को नहीं मिलते हैं, सारे ही बटन ऑन स्क्रीन ही आपको देखेंगे। करते हैं साइड की तरफ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक पावर की, यहाँ पे दिया गया है स्पीकर। करते हैं इस साइड, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वॉल्यूम अप डाउन की। नीचे की तरफ दिया गया है एक सिम ट्रे। बात करें सेकेंड स्लॉट की, तो वो आपको देखने को मिलता है ऊपर की तरफ। करते हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एक चार्जिंग पोर्ट जो कि है USB Type-C पोर्ट में। साथ में यहाँ पे दिया गया है 3.5 जैक।
करते हैं बैक साइड में, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है एक रियर कैमरा, इसके नीचे की तरफ दिया गया है एक फिंगरप्रिंट सेंसर, साइड में दिया गया है कि LED फ्लैश। और नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सैमसंग का ब्रांडिंग, और नीचे की तरफ कुछ और इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगी। तो ये था इस फ़ोन का फिजिकल ओवरव्यू। चलिए कर लेते हैं इस फ़ोन को ऑन और देखते हैं इस फ़ोन का परफॉर्मेंस। तो जब तक ये फ़ोन ऑन हो जाता है हम देख लेते हैं इसके क्विक स्पैक्स। यह फोन आपको मिलता है Exynos 7885 चिपसेट के साथ में। यहाँ आपको मिलता है 6GB रैम, 6 इंचेस का फुल HD सुपर AMOLED आपको डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिलेगा, 64GB का इंटरनल स्टोरेज है जिसको आप मेमोरी कार्ड लगा के और बढ़ा सकते हैं, 16MP का रियर कैमरा और 16+8MP का फ्रंट कैमरा इस फोन में आपको देखने को मिलता है, 3500mAh का बैटरी है जो कि सपोर्ट करता है फास्ट चार्जिंग को, और इस फोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और NFC का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो ये फोन हो चुका है ऑन और ये है Samsung Galaxy 8 Plus का होम स्क्रीन। सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले क्वालिटी की, तो आपको बता दें इस फोन में आपको मिलता है Samsung का सुपर AMOLED डिस्प्ले जो कि आता है 6 इंचेस के स्क्रीन साइज के साथ में, और यहाँ पे आपको मिलने वाला है फुल HD डिस्प्ले, मींस रिजोल्यूशन मिलेंगे 1080x2220 के, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है एक इन्फिनिटी डिस्प्ले, मींस स्क्रीन का एस्पेक्ट रेशियो आपको देखने को मिलेगा 18.5:9 का। तो डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अमेजिंग सा देखने को मिल रहा है, काफ़ी वाइब्रेंट और ब्राइट कलर हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें Samsung के सुपर AMOLED डिस्प्ले की, तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि Samsung का सुपर AMOLED डिस्प्ले बेस्ट डिस्प्ले है मोबाइल फोन्स के लिए, तो वैसे ही क्वालिटी हमको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें डिफरेंट व्यू एंगल से इसके डिस्प्ले का, तो आप देख सकते हैं कितना क्लियर व्यू आपको देखने को मिल रहा है डिफरेंट व्यूइंग एंगल से भी। अगर हम बात करें इस वीडियो में इस डिस्प्ले क्वालिटी का, तो आप देख सकते हैं काफ़ी शार्प और ब्राइट डिस्प्ले हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। कलर सेचुरेशन और डीपर कंट्रास्ट प्रॉपर होने से इस फोन का व्यूइंग एक्सपीरियंस और बढ़ जाता है, तो यहाँ पे हमें डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अमेजिंग देखने को मिल रही है। चलिए चलते हैं फ़ोन की सेटिंग में और देखते हैं इस फ़ोन की और इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले एंड्रॉयड वर्जन जो कि आपको मिलता है 7.1.1 मींस एंड्रॉयड नोगट, और सैमसंग के अकॉर्डिंग एंड्रॉयड ओरियो का अपडेट इसमें बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। सैमसंग एक्सपीरियंस वर्जन यहाँ पे देखने को मिलता है 8.5। चलते हैं और नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्योरिटी पैच जो कि है दिसंबर 2017 का। चलते हैं इस फ़ोन के स्टोरेज की तरफ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 64GB स्टोरेज में से आपको फ्री स्पेस मिलता है 51.6GB का, मींस ऑलमोस्ट 12GB का स्पेस यूज़ किया गया है सिस्टम एप्लीकेशंस और OS के लिए। चले चलते हैं इस फ़ोन की सिक्योरिटी की तरफ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सिक्योरिटी में फेस रिकॉग्नाइजेशन और फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो चलिए पहले चेक कर लेते हैं हम फिंगरप्रिंट सेंसर को और उसके बाद हम चेक करेंगे फेस अनलॉक को। तो इसे मैं अपनी फिंगर से रिस्टार्ट कर लेता हूँ, और अच्छी बात यह है कि इस बार सैमसंग ने फिंगरप्रिंट सेंसर को सही जगह प्लेस किया है, मींस पहले नोट 8 में या फिर एस 8 प्लस में हमने देखा था कि फिंगरप्रिंट सेंसर इस तरफ था तो काफ़ी मुश्किल होता था फिंगरप्रिंट सेंसर से इसको अनलॉक करना, लेकिन अब ये आ गया है इस तरफ तो यहाँ पर ये प्रॉपरली काम करेगा। चलिए पहले मैं इसे रिस्टार्ट कर लेता हूँ अपनी फिंगर से और फिर हम देखते हैं इसका परफॉर्मेंस। तो ये मेरी फिंगर से रिस्टार्ट हो गया है, चलिए देख लेते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रॉपरली काम कर रहा है, हालांकि बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है ये, लेकिन ये प्रॉपरली काम कर रहा है, जितनी बार भी इसको टच किया है उतनी बार इसने अनलॉक किया है। हालांकि इसको कुछ मिली सेकेंड्स का टाइम लगता है अनलॉक होने में, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये ऑफ स्क्रीन पर भी काम कर रहा है। तो ये था इसका फिंगरप्रिंट सेंसर, चलिए फेस रिकॉग्नाइजेशन को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा फेस रजिस्टर्ड हो गया है, चलिए देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो ये ऑफ स्क्रीन पे काम नहीं कर रहा है, इसके लिए हमें ऑन करना होगा स्क्रीन। जी हाँ, स्क्रीन को ऑन करते ही इसने अनलॉक कर दिया। स्क्रीन ऑन होते ही यहाँ पे फेस अनलॉक प्रॉपरली काम कर रहा है, और ये मुझे ज़्यादा फास्ट लग रहा है फिंगरप्रिंट सेंसर से। तो ये ऑप्शन काफ़ी अच्छा है, अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर को तो आप फेस अनलॉक को यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं इस फोन के की हाईलाइट फीचर में इस फोन के कैमरे की परफॉर्मेंस की तरफ। तो उससे पहले आपको बता दें इस फोन में आपको मिलता है 16MP का रियर कैमरा जो कि आता है f1.7 अपर्चर के साथ में, जबकि फ्रंट कैमरा दिया गया है 16+8MP का, मींस यहां पे आपको मिल रहा है ड्यूअल कैमरा जो कि आता है f1.9 अपर्चर के साथ में।
तो चलिए करते हैं कैमरे को टेस्ट और देखते हैं इसका परफॉर्मेंस। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आप जैसे ही स्वाइप करते हैं कुछ मोड्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और इसमें इनबिल्ट मोड दिए हुए हैं, ऑटो मोड, प्रो मोड, पैनोरमा, हाइपरलैप, नाइट मोड, फूड मोड, और कुछ मोड आप डाउनलोड कर सकते हैं गैलेक्सी ऐप से। इस तरफ करते हैं तो यहाँ पे आपको अलग अलग इफेक्ट मिल जाएंगे, अलग अलग इफेक्ट में आप पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इन स्टिकर्स की, तो आप इन स्टिकर्स को यूज कर सकते हैं रियर कैमरे की पिक्चर और सेल्फी पिक्चर्स के लिए। इस साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है बिक्सबी विजन, मींस कैमरे में भी आप बिक्सबी का यूज कर सकते हैं। फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि है लाइव फोकस। लाइव फोकस के थ्रू आप अच्छे बुके इफेक्ट मोड में सेल्फी ले सकते हैं, और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आप बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं आपके यूजर्स के अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं जितना बैकग्राउंड आप ब्लर करना चाहें उतना आप कर सकते हैं, और ये बैकग्राउंड ब्लर आप पिक्चर लेने से पहले और पिक्चर लेने के बाद भी कर सकते हैं। तो चलिए लेते हैं कुछ पिक्चर्स और देखते हैं कि इसका कैमरा क्वालिटी हमें कैसा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं हमें शटर स्पीड काफी अच्छा देखने को मिल रहा है और काफी क्विकली ये पिक्चर क्लिक कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ पिक्चर जो कि हमने लिए हैं इसके रियर और फ्रंट कैमरे से। रियर कैमरे के इमेजेस काफी अच्छी देखने को मिली। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इमेजेस ली गई हैं इंडोर लाइटिंग में, वहां पे भी हमें अच्छी क्वालिटी देखने को मिल रही है। पिक्चर्स काफी शार्प हैं, और अगर हम बात करें इसके डिटेलिंग की तो वो भी काफी क्लियर है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कलर सेचुरेशन की, तो आप देख सकते हैं सही पिक्चर में आपको सेचुरेशन भी प्रॉपर देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं आउटडोर पिक्चर की, तो यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी और भी अच्छी हो जाती है जो कि ली गई है नेचुरल लाइट में। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं काफी क्लियर और ब्राइट देखने को मिल रही है। बात करें फ्रंट कैमरे के इमेजेस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ली गई है इंडोर लाइटिंग में, काफी अच्छी पिक्चर हमको देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें दूसरी पिक्चर्स की जो कि ली गई है लाइव फोकस के थ्रू, मींस बैकग्राउंड में आपको बोके इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो ये ड्यूअल कैमरा काफी अच्छे से काम कर रहा है और यहाँ पे हम काफी अच्छे से बोके इफेक्ट फोटोज ले सकते हैं। तो इन सारी पिक्चर के अकॉर्डिंग कैमरे के फर्स्ट इंप्रेशन में हम कह सकते हैं कि इसका कैमरा क्वालिटी काफी अमेजिंग हमको देखने को मिल रहा है, और काफी सारे कैमरा फोन से इसका कैमरा क्वालिटी कंपेयर किया जा सकता है। चलिए अब चलते हैं इस फोन के सेंसर्स की तरफ कि इसमें आपको कौन कौन से सेंसर्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फोन में आपको मिल जाता है GPS, Wi-Fi, एक्सेलेरोमीटर सेंसर, मैग्नेटिक सेंसर, जायरोस्कोप, प्रेशर सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, लाइट सेंसर, स्टेप काउंटर, ग्रेविटी, रोटेशन वेक्टर, ओरिएंटेशन, मींस ऑलमोस्ट सारे सेंसर्स का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब चलते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस की तरफ। तो आपको बता दें इस फोन में यूज हुआ है एक्सिनोस का 7885 का चिपसेट और साथ ही 6GB का रैम, और इस परफॉर्मेंस को हम चेक करने वाले हैं गेमिंग के थ्रू। तो हम अभी अल्फाटेट खेल रहे हैं हाई ग्राफिक सेटिंग पे, साथ ही यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा गेमिंग एक्सपीरियंस का भी कि इस फोन में आपको कैसा गेमिंग एक्सपीरियंस भी देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ग्राफिक्स क्वालिटी आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है सुपर एमोलेड डिस्प्ले की वजह से। यहाँ पे डिस्प्ले काफी शार्प और ब्राइट देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें इसके कंट्रोलर की, तो आप देख सकते हैं काफी स्मूथली कंट्रोलर काम कर रहे हैं, और यहाँ पे मोशन कंट्रोलर भी बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इस फोन में फ्रेम या लैग की, तो अभी तक हमें ऐसा कहीं पे भी देखने को नहीं मिला कि इस फोन में हमें कहीं लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल रहा हो। ये गेम काफी स्मूथली काम कर रहा है। तो ये था इस फोन का गेमिंग परफॉर्मेंस, आपने देखा काफी स्मूथली रन कर रहा है अल्फाट 8 इस फोन में। तो हम ये कह सकते हैं इसका गेमिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छा होने वाला है, साथ ही यहाँ पे हमें आइडिया लग गया फोन के परफॉर्मेंस का भी, ये भी काफी अच्छा फील हमको यहाँ पे देखने को दे रहा है। तो ये था Samsung Galaxy 8 Plus का अनबॉक्सिंग और एक क्विक ओवरव्यू। हमने इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, लेकिन फिर भी आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो, या फिर आप चाहते हो इस फोन से रिलेटेड कोई और रिव्यू, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे कैसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें।